अरे भैया बक्सर राम रेखा घाट पर आज देखतानी, देखिए के मन होला थोर, आई हो दादा नेताजी लो जनता के बुरुबक बनावे लालो, होता अटे मन में हाड़ा होर, सुसुकी सुसुकी रोहो वताड़ी हमार गंगा संकट में बाड़ी, सुसुकी सुसुकी रोहो वताड़ी गंगा मैया संकट में बाड़ी। बोट यात्रा की शुरुआत हम कर रहे हैं बक्सर से, वो इसलिए क्योंकि बक्सर से ही गंगा मैया बिहार में प्रवेश करती हैं, और इस बोट यात्रा के जरिए हम भागलपुर तक जाएंगे, घाट घाट पर रुकेंगे, वहां का पानी पिएंगे, वहां के चुनावी हाल को जानेंगे, गंगा की गहराई को जानेंगे, और पिछले 5 वर्षों में कितने बदले हैं हालात इसकी जानकारी भी आपको देंगे। तो आइए आज बक्सर का हालात जानते हैं, यहाँ की जनता का मिजाज जानते हैं। हम मौजूद हैं बक्सर के प्रसिद्ध घाट रामरेखा घाट पर। चूंकि बक्सर धार्मिक नगरी है, प्राचीन नगरी है और राजनीतिक नगरी भी है, और बक्सर का रंग अगर जानना है तो यहाँ के लोक संगीत में है। तो आइए सुनते हैं, पहले शुरुआत करते हैं बक्सर की यहाँ के लोक संगीत से, जो आपको झूमने पर मजबूर कर देगा। हर की कौन कौन दिन ते देखौले रे चुनौआ, कौन कौन दिन ते देखौले रे चुनौआ, गदहा के गोदी पर बैठौले रे चुनौआ, गदहो के गोदी पर बैठौले रे चुनौआ, कौन कौन दिन ते देखौले रे चुनौआ, कौन कौन दिन ते देखौले रे चुनौआ, भइल ना विकास खाली भाषणे में दम्बा, देखली बिहार में दुगो रोटियो दुलम्बा, सब जाना था हमनी के बाहर विदेश कमाए के पड़ते है सरकार, आ खाली इलेक्शन आवता तो नेताजी लोग बड़े बड़े भाषण देता लोग, ये करवा देंगे आपके मुंह में, ये करवा देंगे आपके समूह में, का कहीं भइल ना विकास खाली भाषणे में दम्बा, नेताजी के घरे दुगो रोटियो दुलम्बा, जनता के रोज रोज मिले नया घौआ, जनता के रोज रोज मिले नया घौआ, कौन कौन दिन ते देखौले रे चुनौआ, कौन कौन दिन ते देखौले रे चुनौआ। बोट यात्रा में हम मौजूद हैं बक्सर में, और हमारे साथ हैं बक्सर के वर्तमान विधायक मुन्ना तिवारी, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, इस बार भी उम्मीदवार हैं, और प्रदीप दुबे, जो कि पिछले चुनाव में उम्मीदवार थे बीजेपी के, लेकिन इस बार इनको टिकट नहीं मिला। सबसे बड़ी बात कि बक्सर की चर्चा इस बार काफ़ी हो रही थी, खासतौर पर पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को लेकर, कि वो चुनाव लड़ने वाले हैं। आप तो विधायक हैं यहाँ के, आपको कुछ डर भय नहीं लगा कि वो चुनाव लड़ने आ रहे हैं? सवाल ये है कि जब हम राजनीति कर रहे हैं और राजनीति में हैं तो डर किस बात का? जो भी पहलवान आएंगे उससे हमको लड़ना था, अब वही हमसे लड़ते, चाहे वो कोई हो, वर्तमान में जो आए हैं वो हम ही से लड़ रहे हैं। तो लड़ रहे हैं, लेकिन डीजीपी थे, सिपाही हैं। अब तो वो सेवानिवृत्त हो गए ना भैया, ले लिया उन्होंने, तो अब जब सेवानिवृत्त हो गए तो अब डर काहे के लिए। दुबे जी ये बताइए, एक बार आपको टिकट नहीं मिला, पिछले बार आपको इन्हीं से शिकस्त मिली थी, और सब लोगों ने कहा कि पूर्व डीजीपी का टिकट कट गया, जबकि टिकट कायदे से आपका कटा। देखिए दुर्भाग्य की बात है, डीजीपी जी हम लोगों के बक्सर के रहने वाले हैं, हमसे उम्र में बड़े हैं, पद प्रतिष्ठा में बड़े हैं, उनके प्रति सम्मान है, लेकिन जब से उन्होंने जेडीयू ज्वाइन किया वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ही नहीं रहे, तो ये मीडिया के कैंडिडेट थे, मीडिया के लोगों ने, आप जैसे लोगों ने गुप्तेश्वर पांडे जी को भाजपा का बक्सर का कैंडिडेट बना दिया, वो कभी भारतीय जनता पार्टी से बक्सर कैंडिडेट नहीं,
इसीलिए तो हंसी तब आती है, टिकट मेरा कटा और मीडिया के लोगों ने चलाया कि गुप्तेश्वर पांडे डीजीपी बेटिकट हुए। अरे जिसको टिकट मिलेगा वो तो बेटिकट होगा। विधायक जी ये बताइए कि पिछले 5 साल से आप हैं यहाँ पर, आपने ऐसा क्या काम किया है कि जनता आपको इस बार वोट दे? देखिए आपको मैं बताऊं, विगत 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पर कब्जा था, चाहे वो सांसद के रूप में चाहे वो विधायक के रूप में। मैंने 37 बरस की लंबित एक परियोजना चौसा करमनासा निकृष पंप कैनाल है, 40 बरस से लंबित थी, उस परियोजना को चालू किया। आज आदरणीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जी हैं, उनके काल से जब स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे बिहार का, एक यहाँ का अदना सा PHC जिसको यहाँ के लोग सिटी हॉस्पिटल कहते थे, उस पर राजनीतिक रोटी ये लोग सेकते सेकते 2015 तक लाए। लेकिन जब इनका चेहरा बेनकाब हुआ कि ये दोहरी राजनीति करते हैं, यहाँ जनता के वोट भी लेते हैं और जनता को छलने का भी काम करते हैं, मैंने यहाँ PSC की स्थापना कराई, मेरे पास पेन पेपर में, और मैंने यहाँ कि तमाम जर्जर सड़कें, जो चाहे वो ग्रामीण इलाके की हो, सड़कों की हालत शहर की तो ठीक नहीं है। अभी आप देखेंगे, अभी सेशन रोड से रामरेखा रोड, घाट रोड और अम्बेडकर चौक से नई बाजार मठिया मोड़ तक चौड़ीकरण सड़कों का हो रहा है। गंगा माई साक्षी हैं, पूरे मैं गंगा माई को साक्षी मान करके कहता हूँ कि बक्सर के जनता के सामने खड़े होकर के एक अपने वादे का और एक काम का बता दें, इन्होंने 5 साल में एक काम नहीं किया है। और जहां तक कि उन्होंने कहा विकास, तो ये देखिए 1,25,00,000 रुपया कि ये कटाव हो रहा था, ये अभी ये हाल का काम है, फोकस कीजिए, दिखवाइए, जनता देखेगी। देखिए ये कटाव, ये किस विकास का कटाव विकास है, ये किस विकास निधि का पैसा है, ये आपदा विभाग का पैसा है कि आपके विधायक आवास का, विधायक के निधि का पैसा है, ये तो बताना पड़ेगा ना। मैं ये कहना, मतलब बक्सर में जितने ईंटे रखे गए, जितने बक्सर में विकास हुए हैं, सब आपके द्वारा किया, आप कहना चाहते हैं? सरकार ने, नीतीश जी ने कुछ नहीं किया, नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया, बक्सर में जितनी सड़कें बनी, जितने बिल्डिंग बने, जितने काम हुए, सब आपके द्वारा है, आपने छू दिया, ये आपका काम हो गया, ये तो बहुत अच्छा विकास है भाई, ऐसा विकास बक्सर की जनता को नहीं चाहिए। अच्छा अभी बताइए, जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? मैं 100% आश्वस्त हूँ, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये लोग झूठ बोलते हैं, 6 वर्षों में देश के बेरोजगारी, GDP, देश में कल कारखाने नए लगे क्या, क्या बेरोजगारी दूर हुई क्या, क्या महंगाई दूर हुई क्या, स्तर के मुद्दे हैं। आप बक्सर की बात करिए, मेरे बड़े भाई, मेरा ये कहना है कि ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। अभी आप नाव से उतरिएगा वो वोट यात्रा से और चलिएगा, देखिएगा कि चौड़ीकरण का प्रस्ताव किसका है, किसका अनुशंसा है। मेरे कहने का मतलब है कि आप जो कह रहे हैं वो सही, मैं जो विकास किया हूँ वो गलत। हम औकात दिखाने में काबिल है, आपकी औकात नहीं है, आपके भारतीय जनता पार्टी की औकात नहीं है कि मुलायम तिवारी का मुकाबला कर लेगा। मैं जहाँ खड़ा होता हूँ चार बार इनको डुमराव में 4 बार पता लगा पहलवानी की बात करते हैं। गढ़ में मैंने डुमराव विधानसभा 4 बार हारे हैं, ददन पहलवान से 4 बार हारने वाला हारे की नहीं, क्षेत्र छोड़ करके भागा, आप हारे की नहीं, डुमराव क्षेत्र तो राजनीति में हार जीत तो लगी रहती है, ठीक है, आप लेकिन हारे की नहीं। जब ये निर्दल पहलवान से हार गए तो आप हारे की नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप हमसे हारे, चलिए तो क्षेत्र छोड़कर भागने के बाद आप हारे की नहीं, ये बात जब आप इनसे हारे, ये किसी और से हारे, 4 बार ददन पहलवान से हारे, आप हमसे हारे ना, पहलवान खोज रहे तो सर मार रहे हैं ना, आप हारे ना। चलिए तो ये बहस जारी रहेगी और इसी तरह से वोट यात्रा के दौरान आपको गर्मा गर्म बहस देखने को मिलता रहेगा। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, बक्सर के आम आवाम जनता से बात करते हैं।
बक्सर के रामरेखा घाट पर हर रोज आरती करने वाले लाला बाबा हमारे साथ हैं, और चुनाव में तो बहुत सारे मुद्दे होते हैं, लेकिन जो मुद्दा इस घाट से लेकर जुड़ा हुआ है, जो मुद्दे यहाँ की व्यवस्था को लेकर जुड़ा हुआ है, पहले तो ये बताइए कि रामरेखा घाट का क्या महत्व है धार्मिक रूप से? बक्सर रामरेखा घाट विश्व प्रसिद्ध है, जो कि विकास से बहुत काफ़ी दूर है बक्सर, और बक्सर इतिहास में भी आगा है, धर्म में भी आगा है, लेकिन विकास में सबसे पछा है, कुसो दूर है बक्सर। बहुत लोग बहुत सकारते हैं कि हम रामरेखा घाट ये कर देंगे वे कर देंगे, बहुत दिन से खंडहर पड़ा हुआ है लाइट एंड साउंड अभी, जो कि यहाँ जब विकास होगा बक्सर का तो रोजगार भी बढ़ेगा, पर्यटक लोग आएंगे तो पर भी दो पैसा कमा। घाट पिछले पाँच साल में कुछ नमामि गंगे का प्रोजेक्ट चल रहा है रामरेखा घाट पर, लेकिन टिकाऊ नहीं है। देखिए बगल में ही टूटा हुआ घाट है, नया बना है नहीं, पहले का ही है, लेकिन ये नमामि गंगे का प्रोजेक्ट में नहीं है, ये छट गया है। ऐसा ऐसा जो बगल में ही जो गंगा आरती होता है वहाँ, उस भी वो घाट भी नमामि गंगे से छट गया है, तो विकास क्या हुआ? ১৯৫১ से बात करें तो बक्सर 1985 तक कांग्रेस का गढ़ रहा था, एक 1967 का चुनाव छोड़ दें तो बाकी जितने भी चुनाव हुए वो सब के सब कांग्रेस ने जीते, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 1990 में यहाँ CPM जीतती है और 1995 के बाद भाजपा का उदय होता है, और भाजपा 2000 में जीतती है, 2005 के पहले चुनाव में जीतती है, उसके बाद एक बार बसपा भी यहाँ से चुनाव जीत चुकी है, लेकिन कांग्रेस 30 वर्षों के बाद 2015 में उसको फिर से सफलता मिली है। इस बार क्या होता है, मुन्ना तिवारी वही प्रत्याशी हैं जो कि विधायक हैं, वर्तमान विधायक, और BJP के परशुराम चतुर्वेदी हैं, और तमाम लोग भी हमारे साथ, कुछ जनता भी है बक्सर की। क्या माहौल है बक्सर का? बक्सर का अच्छा माहौल है, यहाँ से NDA के प्रत्याशी की लहर है। अगली बार मुन्ना तिवारी जी पहले अपने कर्मों के आधार पर फोन मांग रहे थे वोट, यहाँ की जनता ने दिया, जनता देने के बाद जनता 5 वर्ष के लिए चुनाव करती है आपका, न कि आपको 50 वर्ष के लिए चुनाव करती है। 5 वर्षों में उनका जो क्रिया प्रतिक्रिया नहीं किया उन्होंने, कुछ नहीं किया, और उनका दारू का भी गाड़ी में पकड़ाया था। देखिए बहुत सारी बातें, मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगा कि अब बक्सर के लोग जागरूक हो चुके हैं, बक्सर के लोग चाहते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा कोई कैंडिडेट आए जिसके पास विजन भी हो, जिसके पास परसेप्शन भी हो विकास का, डेवलपमेंट से बहुत पीछे बिहार वाकई है। आज आजादी का 75 साल लगभग पूरा होने जा रहा है, मतलब 73rd या 74th ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोग मनाए, लेकिन इतना पीछे हम लोग रह गए कि आज लोग चाहते हैं कि वाकई हम लोग को डेवलपमेंट मिलना चाहिए। क्या हाल है बक्सर का? बक्सर का हाल कोई खास ठीक ठाक नहीं चल रहा है, ये लॉकडाउन के चलते हम लोगों का बिजनेस तो बिल्कुल प्रभावित है, स्कूल कॉलेज सब बंद ही है, अब तो थोड़ा थोड़ा खुला है, लेकिन उससे कोई खास प्रभाव नहीं हो रहा है। चुनाव का क्या हाल? चुनाव का हाल ठीक ठाक है, यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष समझ में आ रहा है, कांग्रेस के मुन्ना जी हैं, BJP से परशुराम जी हैं, और रालोसपा से एक निर्मल कुमार कुशवाहा है, और एक हमारे रामजी सिंह भी हैं, वो भी लगे हुए हैं, निर्दल प्रत्याशी हैं, अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बक्सर में उनका भी अच्छा प्रभाव है। दुकानदारों का मतलब बहुत हालत खराब है अभी भी? बहुत बहुत हालत खराब है, बहुत ठीक ठाक नहीं चल रहा, हम लोग काफी परेशान है इसके लिए। घर घर में पहुँचाए कि ना चाहिए बोरी बोरी अनाज पानी? हाँ घर घर में मोदी जी जल घर घर खाते, अपना खाते घोटाला खाते ना नहीं पहुँचल, कदू कहीं राशन कार्ड रही तो खाए, या ना तो राशन कार्ड रही तो बस भूखे मरी, तो हम नहीं के कोई देता देता तो गाड़ी देता, तो राशन कार्ड नहीं के मोदी जी के हम ही लिया ले बनी तबे सबके अथी भल बा। गुजरात में मोदी जी रहलन, मोदी भाई रहलन, एजा मोदी जी कहत रहन, मोदी जी भैया तरह मिलत नहीं के, एजा मोदी जी भैया के देता रुए पैसा दे के चाहे सबको देता तो कौको मिला तर कौके नहीं मिला, हमने के कहाँ मिलल? नीतीश जी कहे करो बन कभी के करो ही ना को नीतीश जी, नीतीश से तो सब तो बहल बन कब ही करल, मोदी जी के देखल अलन मोदी जी तो उठ गल सते सते, मोदी जी आये तो मोदी जी के हाथ बात हम बड़ आदमी बड़ी नीतीश बन तो आए तो हमारे संग नेता होकर छूट जाए कहे छुट्टी।
आपको हमने बक्सर का विकास दिखाया, बक्सर की जनता का मिजाज दिखाया। अब गंगा के किनारे आगे बढ़ते जाएंगे, हर घाट पर रुकेंगे और अगला पड़ाव हमारा होगा भोजपुर। तब तक देखते रहिए आज तक।